हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक और दोस्तों मैं लेकर आ गई हूं कल के बिग बॉस के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स, वो भी एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। जब अनूप जी घर से बाहर थे, अनूप जलोटा जी के घर से बाहर होने पर सौरभ जो है शिवाशीष के अलावा सौरभ भी कहीं ना कहीं जसलीन से थोड़ी नजदीकियां बढ़ाते नजर आए, उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अनूप जी ने सौरभ को थोड़ी बहुत यू नो तानेबाजी की, फटकार लगाई कि मेरी गैर मौजूदगी में आप कैसे जसलीन से क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, और ये सारी चीजें उन्होंने कहा और थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती वहां पे नजर आई। नंबर 2, श्री संत जब से घर से वापस आए हैं, यानी कि सीक्रेट रूम से जब से वापस आए हैं, वो सभी को दीपिका के अगेंस्ट भड़काते नजर आए, जो कि क्वाइट शॉकिंग है मेरे लिए भी। सबके अगेंस्ट भड़काते नजर आए और फिर एक और बार दीपिका जाकर इनिशिएटिव लेते हुए समझाती हुई नजर आई कि ऐसा नहीं है, आप प्लीज बात को समझिए और ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें दीपिका उन्हें समझाती नजर आई। और एट द एंड वही होता है जो हर बार होता है, श्रीसंत मान जाते हैं और श्रीसंत और दीपिका वापस दोस्त बन जाते हैं। नंबर 3, घर में आया नया लग्जरी बजट टास्क और लग्जरी बजट टास्क आए और श्रीसंत घर से भागने की कोशिश ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, जैसे ही नया लग्जरी बजट टास्क आया तो उसमें रोमिल और श्रीसंत की लड़ाई हो गई, जिसमें श्रीसंत इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने टास्क से ही बैकआउट कर लिया और वो घर छोड़कर जाने की जिद करते नजर आए, फिर से बिग बॉस को धमकी देते नजर आए, और साथ ही साथ इस बार वो दीवार कूद कर जाने की प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए, जो कि मुझे लगता है अब बियॉन्ड एक्सटेंड जा रहा है। बिग बॉस को फॉर गॉड सेक एक बार श्रीसंत को बिठा के समझा देना चाहिए, भाई आखिर तुम चाहते क्या हो, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू नो, फॉरगेट द नेशन। ओके, नंबर 4, सो लग्जरी बजट टास्क में के आते ही घर वाले सारे यू नो अपने अपने टोर्स पर आ गए और टास्क काफी अच्छे से परफॉर्म कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक और सुरभि में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आए, इतना फेस टू फेस आकर दोनों काफी चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर और काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए टास्क में। सो लेट्स सी अब आगे आके क्या होता है। नंबर 5, रोमिल की बातों से बुरा मानकर और रोमिल के साथ इतनी बड़ी लेवल की लड़ाई करके श्रीसंत गाली गलौज करते तक नजर आए। जी हाँ, श्रीसंत तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव जोन में चले गए वापस से, और जबकि वो घर के बाहर भी अब चीजें देखकर आए हैं, घर के बाहर एज एन कि उस बिग बॉस के घर के बाहर सीक्रेट रूम से वो सारी चीजें देखकर आए हैं, उसके बावजूद ऐसा करना, बिहेव करना, दैट मीन्स मुझे लगता है कोई बेनिफिट उन्होंने हासिल किया नहीं वहां से। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।